हेलो, वेलकम टू टेक्नोऑरी। एंड आज एक सरप्राइज है, मेरे मम्मी को देने जा रहा हूँ ये सरप्राइज। एंड क्या है कि मैंने जो पहले का अर्निंग है उससे तो मैंने गिम्बल ले लिया, एंड सोच रहा हूँ कि दूसरे जो अर्निंग आया है उससे मम्मी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मम्मी एक पुराना वाला मोटो C+ यूज़ कर रहा है जो मैं बहुत साल पहले यूज़ करता था। 3-4 साल मैंने खूब यूज़ किया, उसके बाद मैंने मेरा जो पोको X2 है वो ले लिया था। उसको अभी मम्मी ने ही खरीद कर दिया था, मैंने कुछ पैसे दिए थे, मम्मी ने कुछ दिया था, मेरा लैपटॉप मम्मी का था। फिर भी माँ को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि माँ तुम एक स्मार्टफोन ले लो, तो माँ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता मुझे मालूम नहीं, और सबको मालूम है क्यों नहीं लेता। तो सोच रहा हूँ कि दे देता हूँ, तो देखते हैं। मैंने एक स्मार्टफोन चूज़ भी किया है, उतना ज़्यादा बजट नहीं है क्योंकि $1000 इसी इनकम होता है, आपको मालूम है, एक पेमेंट में तो वो 7-7.5 के आसपास आता है। तो कुछ भैया ने भी कुछ पैसे दिए, मैंने जितना हो सके दिया, 10,000 के आसपास एक स्मार्टफोन लिया है, तो आपको दिखाऊंगा। एंड मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। आपको मम्मी का रिएक्शन दिखाऊंगा, उनको कैसा लगता है, क्या बोलते हैं। तो पूरा वीडियो देखें। एंड एक बैड न्यूज़ भी है आपके लिए, वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको दे दूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। पहली बार मम्मी को मेरे यूट्यूब अर्निंग से कुछ देने जा रहा हूँ, प्लीज़ 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 डू शेयर द वीडियो। तो भाई जो सैमसंग M12 है, ए डिवाइस मैंने दिया था, तो बजट थोड़ा कम था, वो 10,000 के रेंज में यही अच्छा लगा मुझे, तो ये ऑर्डर दिया था। एंड ये आज ही डिलीवर हो चुका है, आप दिया पे देखेंगे, आज ही डिलीवर हुआ है। एंड ये रहा पैकेज, तो इसे खोल के दिखाएंगे एंड मम्मी आने पे उनसे ही ओपन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्रेट मिशन चल रहा है, इसलिए हम छत पे हैं ताकि मम्मी को पता ना चले। एंड ये जो बैकग्राउंड है बहुत ही ख़राब है, इसके लिए सॉरी। मम्मी को ने पता नहीं चले इसलिए मैंने यहाँ पे आया है, एंड मम्मी को पता भी नहीं क्योंकि एक सरप्राइज देना था, तो उनको पता नहीं कि मैंने ऑर्डर दिया है। तो देखेंगे मम्मी का रिएक्शन। कंटिन्यू वॉचिंग, ओके, तो सी यू सून। तो गाइस, मम्मी अभी बाहर गई है, ऑफिस में गई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं, एंड उसके बाद जो सारा का सारा चीज़ सेटअप करके एक बार में मम्मी के हाथ में देंगे मोबाइल, पूरा का पूरा सेटअप करके यार की। तो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड उसके लिए हम खंजर लेकर आए, इसे देखते हैं। तो ये जो वेरिएंट है ये 464 GB का है, विथ 90Hz रिफ्रेश रेट एंड 8nm प्रोसेसर, एंड इसमें 48MP का जो प्राइमरी सेंसर है, 8MP का फ्रंट सेंसर है, एंड AZ+ का जो डिस्प्ले है। इसे ओपन करने जाएंगे, चलो। मेरा फोन, ओके, तो उसमें बाद में खुलेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर एक चार्जर मिलता है, साइड के पिन है, ये अच्छा बात है। इससे जो छोटी जगह में या पे छोटी पैसेज में या पे अलमीरा के पीछे, कवर्ड के पीछे, बेड के पीछे चला जाता है बहुत ही आसानी से। तो चार्जर केबल एंड एक इजेक्टर टूल भी है, तो यह है टोटल। एंड इसके अंदर एक कवर होना चाहिए था, कवर नहीं है शायद, कवर नहीं है, कोई कवर खरीदना होगा, तो वो कवर भी हम खरीद के लाएंगे। तो इसे ओपन करते हैं थोड़ा, मेरा फोन, ओके।
2000 years later. देख पाएंगे तो इसमें हम क्विक सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से दिखाएंगे. A few moments later. মোবাইল খারাপ, আরে বলো মোবাইল আছে, একটু খুলে দেখো. হ্যালো, খুলে দেখো, ঠিকভাবে খুলো, পড়ে যাবে কিছু. খুলে দেখো, কেন অন করো. একবার চাপ দাও, ওটা সব ফোনই এরকম, চওড়াটা সবারই একই. আমি একা কিনিনি, দাদাও টাকা দিয়েছে. হ্যাঁ দাদা দিয়েছে. ঠিক আছে, তোমার মোবাইল খারাপ হয়ে গেছে, সেই জন্য এটা দেওয়া হচ্ছে. আরে বন্ধ করো. ये सब होने के बाद एक कांड हो गया. मैं यहाँ पे कुछ दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. पहले का पार्ट भी मैंने बाद में शूट किया था और ये वाला भी मैं बाद में शूट कर रहा हूँ. कि उसके कुछ दिन बाद मेरे पोको X2 में एक अपडेट आया था. उसके बाद मेरा पोको X2 का कैमरा डेड हो गया. एंड अब सर्विस वालों जो है, सर्विस सेंटर वालों, वो मुझसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं. बस उतना पैसा तो नहीं है. अब जो पोको का CEO है और जो कंपनी के तरफ से जो बोला गया था कि वो फ्री में रिपेयर करके देंगे क्योंकि उसमें हमारा यूज़र का कोई गलती नहीं है, तो उसने ये, मैंने जो पोको X2 सर्विस सेंटर पे रखा हुआ है तो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है. एक मंथ से मैंने कुछ वीडियो डाल नहीं पाया हूँ, इसलिए पहली बार कुछ दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ. एंड कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मेरा पोको X2 कहीं भी हो सके ठीक करा के आपको नया नया वीडियो दे दूँ. तो प्लीज़ साथ में रहिए. एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो के से मेरा अर्निंग होगा एंड उससे मैं मेरा जो फ़ोन है वो रिपेयर कर पाऊँगा. तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड एक ट्वीट कर दीजिए पोको वालों को टैग करके, बॉयकॉट पोको लिखकर, पोको X2 नॉट कैमरा, पोको X2 बैक कैमरा नॉट वर्किंग लिखकर. एंड ये बहुत ही हेल्प होगा मेरे.